नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। फतेहपुर जनपद खागा नगर के नौबस्ता रोड मुक्तिधाम से पहले तिरपाल की झोपड़ी बनाकर लगभग 15 ऐसे परिवार हैं जो लोहे के औजारों को बनाकर किसानों को देते हैं और जो उससे रुपये मिलते हैं उसी से घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। और जब से मशीनें चल गई तो किसान हसिया खुरपी फावड़ा कुल्हाड़ी सैबरी जैसे औजार की जरूरत कम होने से जो रोड किनारे बसे हैं उन लोगों को पेट भरने के लिए भी अब एक बार सोचना पड़ता है। आप लोगों बताते चले कि इन रोड किनारे वर्षों से बसे लोगों के ऊपर किसी भी समाजसेवी या फिर किसी संस्था की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन दो दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा विभाग टीम द्वारा इन फुटपाथ पर निवास करने वाले लोगों से पूछताछ किया था, पूरी जानकारी लिया था और देखा कि जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था वह बच्चियां बर्तन और चूल्हा का काम कर रही है, जिनके कंधों पर किताबों का बैग होना चाहिए वह हथौड़ा भांज रहे हैं, और माँ बाप भी पेट के लिए लोहा से लड़ रहे हैं और महिलाओं ने लोहे का घन भांज रही है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विभाग की टीम ने पहले जायजा लिया और बच्चों को टॉफी खिलाकर पढ़ने लिखने की बात शुरू किया तो लोगों ने बताया कि हम लोगों के बच्चों को नाम लिखने से मना कर रहे हैं अध्यापक। तभी सेवा विभाग की टीम द्वारा यह निश्चित किया कि आपके बच्चों को शिक्षा व्यवस्था हम लोगों द्वारा दी जाएगी और वह भी निःशुल्क, और आप लोगों के यहाँ 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा जिसमें छोटे बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाएगा। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि दूसरे दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टीम ने झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दिया है और बच्चों को बिस्कुट टॉफी खिलाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और झोपड़ियों में रहने वाले परिवार और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद श्रवण कुमार की कहानी सुनाकर श्रवण जैसे बनने की प्रेरणा जताए और सुबह धरती माता और माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तेजित किया बच्चों को, और इसके बाद राजकीय अनुसूचित छात्रावास जाकर जाना हाल। और इसके पश्चात आए सुने क्या कहा झोपड़ी में रहने वाली पुष्पा देवी की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। पांच लोग थे, यही शिक्षक हैं। अच्छा, सोचेंगे कल से क्या करोगे, जब सुबह उठोगे अपने माता पिता के क्या छुओगे, पैर छुओगे। जैसे बिस्तर बिस्तर पड़े हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए माता पिता थोड़ा दूर लेटे हैं तुमसे, तो पहले उठोगे धरती माता के जो है छुओगे, इस तरह उठ के इस तरह छुओगे, फिर इसके बाद उठना, फिर मम्मी पापा है ना, या जो कहते हो मम्मी पापा कहते हो माता पिता कहते हो, फिर उनके पैर छूना, फिर उनके पैर छूना। अच्छा, जो जो करेगा कल हम आएंगे और अपने से को नाम दिया जाएगा, बिना पूछे बताना कि उनके पैर छुआ है। ऐसे लिखते हैं तो जितना ऐसे वो एक डंडा सही सही करना, एक सुन के आगे आगे नहीं करना, ऐसे बना सही से कभी जोड़ वहां से तुमको ऐसे बना देंगे बंदे, एक दूसरे के लगे इसे, फिर एक डंडा खींचेंगे, फिर इसमें ऐसे करके ऐसे कर ऐसे कर देंगे, एक डंडा खींचेंगे ऐसे करेंगे। नमस्कार, हम देखो डॉक्टर हैं, साथ में हम आरएसएस के जिला सेवक, ये हमारे आरएसएस के लिए आरएसएस जाते हैं ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक, तो इसमें हम लोग क्या है ये प्रयास रहता है, सब लोग हमारे
बच्चा अपने से ककारा एक ज्ञान तक लिख के दिखा देगा 3-5-6 में ना उसको हम इनाम और इनाम का जो बहुत अच्छा है और अपना भी काम करना है ये नहीं कि काम छोड़ बताओ आपने फाइल में लिखा एन वाई टू प्लस वन एन क्या है अलग ठीक है ना विषम के लिए अलग सूत्र है और विषम के लिए और किसी तरह की कोई अव्यवस्था आप लोगों को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है हमको यहाँ हम बढ़िया खुशी हैं वहाँ से तो यहाँ ठीक है हमारे लड़के भी बचत में हैं हम भी हैं। अच्छा जैसे बच्चे हैं ये पढ़ने जाते हैं नहीं जा रहे हैं सर हमारे लड़कों का नाम नहीं लिखा जा रहा है कह रहे हैं तुम्हारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है क्या आप लोगों को आधार कार्ड नहीं बना है आधार कार्ड लड़कन का भी आधार खाली आधार कार्ड है ना आय बन रही है ना राशन कार्ड बन रहा है हम लोगों का जैसे कि वहाँ से यहाँ आ गए हैं तो आप लोगों का यहाँ व्यवसाय कैसे चल रहा है यहाँ सही है धंधा नहीं चलता हम लोगों का अच्छा, यहाँ एक टाइम खाना बनता है एक टाइम नहीं बनता चलने फिरने के लायक नहीं थे बूढ़ा आदमी तो नहीं चल पाता ना तो उनके माता पिता अकेले घर में पड़े रहते थे तो श्रवण कुमार ने कहा कि कहीं घूमने चलोगे क्या मन कर रहा है बुढ़ापे में मंदिर दर्शन करने जाना है।